प्रांशु जी, एक सवाल है कि जो एक्चुअल लीडर हैं, जो संघर्ष करने वाले युवा मोर्चा के नेता हैं, वो कहीं कहीं आज पीछे दिखाई देते हैं। जो वर्चुअल के नेता हैं, जो फॉर्च्यूनर के नेता हैं, जो होटल के नेता हैं, जो तमाम तरह के ऐशो आराम के नेता हैं, संघर्ष के नहीं, वो आज युवा मोर्चा के पदाधिकारी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। दोनों का अपना उपयोग है। वर्चुअल का भी आज टेक्नोलॉजी के जमाना, उनका भी उपयोग है। और जो जमीन से संघर्ष करके आए हैं उनकी तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो विषम स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा हो, जिसने संघर्ष किया हो, लाठी खाई हो, उसके मुकाबले तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन जो वर्चुअल चीज़ों को जानते हैं, जो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, क्योंकि आज युग जो है टेक्नोलॉजी का है, उन सब का भी सहयोग और पूरा साथ युवा मोर्चा के साथ। अब एक आरोप लगता है कि भाजयुमो जो है वो भजन मोर्चा, यानी जो फेरी लगाता है, यानी जो चक्कर लगाता है, उसका मोर्चा हो गया है, संघर्ष का मोर्चा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब हमारी अपनी सरकार है। जब हम सरकार में नहीं थे तो संघर्ष करते थे, लाठी चलती थी, मुकाबला करते थे, तब का युवा मोर्चा अलग है। आज का युवा मोर्चा एक क्रिएटिव मोर्चा है। कैसे सब नौजवानों को हमारी योजनाओं के साथ उनको जोड़ना, मोदी जी, योगी जी क्या नौजवानों के साथ कर रहे हैं, तो कुछ सीमाएं तो होती हैं सत्ताधारी संगठन की, उन सीमाओं में रहकर हम काम करें। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जमीन पर, विपक्ष में जब आप लोग थे तो लाठियां खाएं, कुंवर सिंह निषाद, सोनू सिंह, विजय सोनी, राहुल मिश्रा, नीतीश मलिक, योगेंद्र सिंह, योगेश सिंह, ये तमाम ऐसे नेता हैं वो आज कहीं पद पर नहीं है। और मुझे याद है कि जब विपक्ष में आप लोग थे, अखिलेश यादव की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तो उनके हाथ टूट गए, लाठियां खा खा के उनके शरीर टूट गई, संघर्ष किया उन लोगों ने, और वो जगह पे नहीं है। देखिए, मैं संघर्ष करने वाले हर नौजवान का सम्मान करता हूं। युवा मोर्चा के गठन में मेरी भी अपनी सीमाएं हैं। सबका समावेश, सबकी राय, और उसमें जो अच्छा से अच्छा हम कर सकते थे वो हमने प्रयास किया है। और जो नतीजा निकला है, जो टीम हमने बनाई, वो टीम रात दिन एक करके काम भी कर रही है, जिससे सिद्ध हो रहा है कि टीम बहुत अच्छी बनी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, और जो लोग रह भी गए हैं उनका कहीं ना कहीं समावेश हुआ है और होगा भी। हम किसी भी कार्यकर्ता के संघर्ष को सम्मान करते हैं। गैंगस्टर की भर्ती हो गई है? समझा नहीं। गैंगस्टरों को आपने पदाधिकारी बना? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं भी रासुका में रहा हूं तो इसका मतलब मैं गैंगस्टर थोड़ी ना हो गया। जब आपकी सत्ता नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी बसपा का ये नीति रही कि जो भी आपके खिलाफ संघर्ष करता था उसको उठा के आप फर्जी मुकदमों में जेल डाल देते थे। विशेषकर जब हिंदू समाज के लिए कोई बोलता था, मैं भी हिंदू समाज के लिए बोला, मुझ पर रासुका लगा दी। तो अगर ऐसा कोई कार्यकर्ता है जिसने अपने धर्म के लिए संघर्ष किया हो और उस पर कोई मुकदमा लग गया हो, तो उसको हमने लिया होगा। कोई आदमी कोई गिरह कट हो, जमीन कब्जा किया हो, किसी लड़की को छेड़ा हो, ऐसा कोई कार्यकर्ता हमारी टीम में आपको नहीं। प्रांशु जी, एक आखिरी सवाल है कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रदेश के, कि किस रूप में 2022 में उनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी और उसका उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में? देखिए, निश्चित तौर पर मैं नौजवानों को एक बात कहना चाहता हूं कि इन 5 सालों में जो भी हमारी सरकार नौजवानों की दृष्टि से कर सकती थी वो सब कुछ करके दिखाया है। चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे लाखों नौजवानों नौकरी हो, पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का काम हो, किसी रिश्वत किसी को कोई रिश्वत ना पड़ी हो, स्टार्टअप इंडिया हो, मुद्रा लोन हो, हर प्रयास नौजवानों को आगे बढ़ाने का हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने किया है। आने वाले समय में जो कुछ अपेक्षाएं नौजवानों की ऐसी हैं जो अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, उनको पूर्ण करने का काम भी हम आगामी 5 साल के कार्यकाल में करेंगे। सत्ता में आने वाले 100% आने वाले नौजवानों के साथ आने वाले।